हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को इस वीडियो में इंग्लिश सब्जेक्ट के प्रश्न पत्र दिखाने वाला हूँ। ये कक्षा 12वीं वालों के लिए है और ये एक मॉडल क्वेश्चन पेपर है। जब मैं इस मॉडल क्वेश्चन पेपर को देख रहा था तब मुझे एक डायलॉग याद आ गया। डायलॉग नहीं कह सकता हूँ, एक फनी क्लिप है, वीडियो क्लिप मैंने देखा था। वो क्लिप क्या था? हाँ, ओ भाई मार मुझे मार वाला जो आता है ना, वही मुझे डायलॉग मतलब वो क्लिप मुझे याद आ गया। क्योंकि ये प्रश्न पत्र आसान नहीं है, बहुत ही हार्ड है। हार्ड में क्यों कह रहा हूं, अभी मैं आपको प्रश्न दिखाता हूं। अगर आपको ये सरल लग रहा है तो समझ जाओ कि आपका नंबर बहुत अच्छा आएगा। और अगर ये प्रश्न पत्र जो मैं भी आपको दिखाने वाला हूं, अगर ये कठिन है ना, तो सोच लो क्या होने वाला है आप लोगों के साथ, क्योंकि इतना टफ टॉपिक है। क्योंकि कुछ कुछ जगह जो है ना, आपका नंबर डायरेक्ट काटने वाली बात कर रहे हैं। चलो चर्चा कर लेते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि आपको इन प्रश्नों के उत्तर कैसे बनाना है। ठीक है, आसान नहीं है, लेकिन बनाने के तरीके तो ढूंढना पड़ेगा ना कि हम किन किन प्रश्नों को बना सकते हैं, किस प्रश्न को अच्छे से तैयारी करें, किसको कम करें जिससे हमारा जो नंबर है अच्छा आ जाए। ऐसा भी है कि ये जो पेपर है इसमें बहुत से बच्चे फेल भी हो सकते हैं, क्योंकि इसके जो टॉपिक है वो थोड़े अलग हैं। तो उसी पे चर्चा करेंगे, क्योंकि फेल तो किसी को होने नहीं देंगे। तो हम आपको बताएंगे कि इसको आपको पढ़ना कैसे, तैयारी कैसे करना। ठीक है, चलो चर्चा करते हैं। देखो, ये सेक्शन ए में दिया हुआ है, क्या दिया है? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ है, मतलब ये एक अपठित गद्यांश है। अपठित गद्यांश में कुछ प्रश्न दिए रहते हैं, उन प्रश्नों का उत्तर आपको इससे ढूंढ के देना होगा। ठीक है, तो इस अपठित गद्यांश को देख लेते हैं। ये अपठित गद्यांश जो है, ये है, वेजिटेबल आर इम्पोर्टेंट प्रोटेक्टिव फूड एंड हाईली बेनिफिशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन ऑफ डिसीज। मतलब ये आपके हेल्थ के बारे में है ना, मतलब ये फूड जो है वो कितना आपको स्वस्थ रखता है, ऐसा कुछ इसका हिंदी अर्थ निकलेगा। मैं आपको हिंदी में नहीं बताने वाला, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा ये बता रहा हूँ कि कुछ कुछ ऐसा ऐसा ये इसके हिंदी जो अर्थ होंगे ऐसे कुछ होंगे। ठीक है, लगभग लगभग हम चर्चा करेंगे इस पे, इनके प्रश्नों पे। जैसे कि प्रश्न आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हाउ डज सॉल्ट वर्क टू सुस्टेन द वैल्यू ऑफ वेजिटेबल्स वाइल टू बॉइलिंग। ठीक है, तो ये जो कह रहा है इसका उत्तर आपको क्या करना है, इसमें ढूंढ के देना है। ठीक है, ये जो आपको पैसेज जो दिखाई दे रहा है ना, ये जो पैसेज है जिसे कॉम्प्रिहेंशन इसमें नाम दे दिया है। ठीक है, तो ये कॉम्प्रिहेंशन जो पैसेज है बहुत बड़ा है, तो इसमें आपको ढूंढना है। तो इसमें ढूंढ के आपको उत्तर को लिखना है। तो वेजिटेबल में जब बॉयल किया जाता है, ठीक है, तो क्या क्या होता है, तो यहाँ पे देखो क्या बताया है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी जो है वो निकलता है, कह रहा है। ठीक है, तो एक तो तरीका है, आपको पढ़ना भी है और उसको समझना भी है। चलो आगे देखो, हाउ डिड ये एल्यूमिनियम, ठीक है, तो ये पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको ये ध्यान देना है। मैं इसको पूरा पढ़ने की जरूरत, मैं इसको पढ़ नहीं रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको बस बता रहा हूँ कि इन सभी का उत्तर आपको इसी में मिलेगा। अब सोचो कि अगर इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा तो आपको लगता है कि ये सरल है, मुश्किल है ना? और अगर यही बाय द वे आ जाए तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर यही आ जाता है कॉम्प्रिहेंशन, तो इसका उत्तर जो है आपको ये ले लेना है। ठीक है, दे इंजोर द सेंसिटिव लीनिंग ऑफ द स्टोमच, ठीक है, इसको ले लेना उत्तर में, ये आता है तो कॉम्प्रिहेंशन में। इसीलिए तो मैं आपको दिखा रहा हूं ना, क्योंकि ये मॉडल क्वेश्चन पेपर है, तो बहुत ज्यादा चांस रहता है कि मॉडल क्वेश्चन पेपर से भी प्रश्न आते हैं। तो मॉडल क्वेश्चन पेपर और बनाया क्यों जाता है, आपके मन में ये भी सवाल होगा। बस आपको पास करने के लिए बनाया जाता है, आपको टॉप करने के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर कभी भी तैयार नहीं किया जाता है। सिर्फ पास करने वाले के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है, और इसमें बोर्ड की भागीदारी होता है। बोर्ड भी बताता है कि इन इन प्रश्नों को आप लोग दो, ये प्रश्न एग्जाम में आएंगे और ये पासिंग मार्क है, इसके अलावा मैं आपको ज्यादा नहीं दूंगा, और उससे ज्यादा आना भी नहीं चाहिए। तो ये बोर्ड इस प्रकार से तय करता है, सिर्फ आप लोगों के पास कराने के लिए। देखो, हाउ मच वेजिटेबल्स डेली डज अ पर्सन नीड फॉर अ गुड हेल्थ, कह रहा है। तो 280 ग्राम्स, मतलब वेजिटेबल जो है वो कम से कम 280 ग्राम लेना चाहिए, कह रहा है। ये इसका उत्तर होगा अगर ये प्रश्न है तो। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, देखो इसको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको ले लेना है डी को, अगर ये वाला ऑप्शन आता है तो विटामिन बी को ले लेना है। ठीक
ठीक है। अब प्रश्नों के उत्तर भी देखना है, प्रश्नों के उत्तर तो आप लोग ढूंढ लोगे, मुझे पता है प्रश्नों के उत्तर में ज्यादा दिक्कत नहीं होता है। देखो यहाँ पे कुछ प्रश्न है, जैसे छठवां प्रश्न यहाँ पे, सातवां प्रश्न, आठवां, नौवां, दसवां, पांच प्रश्न इस प्रकार से देखने को आपको मिलेगा, और हर एक प्रश्न एक एक नंबर के रहेगा ये भी, और इनका उत्तर आपको कहाँ से लिखना है, ठीक है, इसका उत्तर मैं दिखाऊंगा। चलो दिखा देता हूँ पहले। देखो ये रहा 6 से लेके 9 तक के, ठीक है, ये छठवां प्रश्न का उत्तर, सातवां, आठवां, नौवां, लेकिन आपको ढूंढने में ही ये सरल लगेगा। यहाँ पे जो है ना उत्तर जो है आप रट नहीं सकते, रटोगे तो कोई मतलब नहीं है, ढूंढना ही पड़ेगा आपको। और आपको मैं दिखा देता हूँ दसवां प्रश्न का उत्तर, ये रहा दसवां प्रश्न, ठीक है। यहाँ पे 11वां और 12वां भी दिया हुआ है, 11वां 12वां पे अभी आप चर्चा कर लेते हैं। देखो यहाँ पे पूछा क्या है 11वां 12वां प्रश्न में, एबल टू ईट पार्ट वन, ठीक है, और पूछा है राव वेजिटेबल्स सॉरी पार्ट बोल रहा है पारा थ्री, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, इसका जो उत्तर लिखना है, एक तो एडिबल लिखना है, ठीक है, इसका क्या लिखना है, एडिबल लिखना है, और इसका क्या लिखोगे, इसका है सलाद लिखना है, ठीक है। वेजिटेबल का आप सलाद बनाते हो, ये मतलब ये पहला पार्ट है, ठीक है, एडिबल, और दूसरा है सलाद है, ठीक। इसके बाद अब आते हैं सेक्शन ए के दूसरा में, आते हैं बी वाले में, यहाँ भी एक प्रकार के आपको पैसेज ही देखने को मिलेगा, ठीक है। इस पैसेज से क्या निकालना है, देखो ये है क्राइम के बारे में बताया है, क्राइम हैज बिकम एन इंसपरेबल पार्ट ऑफ सोसाइटी, ठीक है। तो ये क्राइम जो है ना अभी जो हमारे जो समाज है उसका एक हिस्सा बन चुका है, तो एक ही लाइन मैंने पढ़ा है, तो लगभग लगभग ये मान लो तो क्राइम से संबंधित है समझो, ठीक है। अब इसे पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्या करना है इसमें, इसमें जो प्रश्न दिया रहेगा ना इसमें इसका टाइटल बताना है, पहले छोटा हुआ करता था बड़ा होने लगा, तो इसका टाइटल बताना है। टाइटल के बाद आपको क्या बताना है, टाइटल बताने के बाद जो नोट्स बनाते हैं ना वैसे नोट्स बनाना है, तो ये 4 नंबर का रहेगा। फिर समरी लिखोगे वो भी 4 नंबर का रहेगा, ठीक है। समरी का मतलब क्या, छोटा करना। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है आपको। देखो यहाँ पे 13वां प्रश्न में क्या पूछा है कि आपको टाइटल क्या है, देखो हेडिंग कह रहा है, हेडिंग सब हेडिंग इसको टाइटल भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद नोट्स भी बोला है, ये रहा मेकिंग नोट्स, तो आपको टाइटल पहले इस प्रकार से लिखते हैं क्राइम एंड पनिशमेंट के बारे में है, मतलब क्राइम करोगे तो सजा जरूर मिलेगा, ठीक है, इस प्रकार से क्राइम और सजा मतलब गुनाह और सजा है, तो ये नोट्स से बनाना है। तो नोट्स में देखो क्राइम के टॉपिक में जो जो क्राइम किया है ना उन सभी टॉपिकों को ढूंढ के लिखना है, क्राइम क्या होता है, ठीक है, तो क्राइम के बारे में है। इसके बाद देखो रिलेटेड ऑफ क्राइम, मतलब इससे रिलेटेड क्या क्या क्राइम किया है इन्होंने, तो दूसरा टॉपिक में जो जो टॉपिक मिलेगा उनको कम से कम तीन तीन टॉपिक याद रखना है, मतलब तीन तीन निकालना है, ज्यादा नहीं निकालना है, अगर उसमें बहुत सारे भी दिए हैं ना तो भी आपको तीन ही लिखना है, ठीक है, तीन काफी है। इसके बाद क्या है, रिट्रीब्यूटिंग ब्यूटी थ्योरी बता रहे हैं, यहाँ भी तीन टॉपिक यहाँ पे हो गया, ठीक है। इसके बाद चौथा में क्या है, क्राइम इमोरल लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें भी तीन टॉपिक है, इस तरह से, ठीक, तीन ही टॉपिक लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है। अब यहाँ पे देखो इसका कुछ कीवर्ड दे दिया है, कीवर्ड दे दिया है, तो कीवर्ड में देखो यहाँ पे कीवर्ड लगा दिया है, काट काट के इस तरह से कीवर्ड को बनाते हैं। फिर 4 नंबर का जो प्रश्न है, ये वाला जो प्रश्न है, ठीक है, इसमें क्या पूछा है भैया, समरी पूछा है ना, तो समरी, तो ये रहा इसका समरी आपको लिखना है कुछ इस प्रकार से, अगर ये टॉपिक आता है तो समरी इस प्रकार। समरी का मतलब क्या होता है, किसी बड़े से टॉपिक को छोटा करके बताना ही समरी कहलाता है, तो कम से कम आप ये दिमाग तो लगा लो कि समरी आएगा तो कैसे बनाना है, ठीक है, पढ़ाई तो पढ़ाई तो आप ही को करना पड़ेगा, ठीक। आगे देखते हैं, फिर सेक्शन बी पे आते हैं, सेक्शन बी ये है नोट्स, इसे हम कहते हैं नोटिस कहते हैं, ठीक है, नोटिस। नोटिस में यहाँ पे बताया गया है किस चीज के बारे में भाई, देखो यहाँ पे इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन, यहाँ पे पूरा लिखा होगा ये टॉपिक जो है, लेकिन हमने यहाँ से एक टॉपिक को निकाल लिया, मान लो ये देखो इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन, तो ये इसी के बारे में नोटिस देना है। तो गवर्नमेंट हाई स्कूल बिलासपुर में ये होने वाला है कॉम्पिटिशन, तो इसके लिए नोटिस बोर्ड बना रहे हैं, ठीक है, एक दीवार में चिपकाते हैं ना, तो उसी को हम क्या कहते हैं, नोटिस, कब होने वाला है, ठीक है, इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, इसके बारे में यहाँ पे आपको पूरा जानकारी देना है। इसके बाद इसमें अथवा प्रश्न भी रहता है, अगर ये समझ में ना आए, 5 नंबर का ये भी रहेगा, समझ में ना आए तो एडवर्टाइजमेंट भी आप बता सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट किसी चीज के बारे में एडवर्टाइजमेंट देते हैं ना, तो पेपर में कटिंग में डालते हैं, तो इस तरह से आप लॉस्ट लिखना ये एडवर्टाइजमेंट के बारे में, और इस प्रकार से उसके बारे में पूरी जानकारी बता देना कि मैं इस चीज के बारे में एडवर्टाइजमेंट देना चाहता हूँ, ठीक है, ये सरल लग रहा है आपको।
मुझे तो नहीं लग रहा है भाई, क्योंकि याद करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को ये सरल लग रहा है तो सोच लो, सरल मत लेना। जिनको इंग्लिश आता है उनके लिए तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, हिंदी वाले को इंग्लिश में बहुत प्रॉब्लम होता है। सरकारी स्कूलों में अक्सर ऐसा प्रॉब्लम देखने को मिलता है। ठीक है, जब ये मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के लिए तो कई गुना डिफिकल्ट होने वाला है, कई गुना। ठीक है, क्योंकि मैं इन सभी का बिना ट्रांसलेट किए, एग्जैक्ट तो मैं हिंदी अनुवाद नहीं कर सकता, पर बिना ट्रांसलेट किए मैं इसका हिंदी अनुवाद बता सकता हूँ। ठीक है, 100% मैं नहीं बता सकता, लेकिन कहना क्या चाहता है इसके भाव फीलिंग को मैं बता सकता हूँ। तो मेरे लिए जब ये टफ हो रहा है तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि ये आप लोगों के लिए भी टफ हो रहा होगा। ठीक है, मैं मान सकता हूँ, उम्मीद नहीं करूंगा, क्योंकि उम्मीद का मतलब अलग होता है, मान सकता हूँ। ठीक है, चलो अब देखो लेटर भी आएगा। अब लेटर में यहाँ पे किसके बारे में, लाउड स्पीकर एंड नाइट, हाँ वही ध्वनि प्रदूषण के बारे में बताना है, पॉपुलेशन के बारे में। चलो लिख देते हैं एक लेटर, ये रहा भाई लेटर लिखना है। देख लो किसको लिखना है, तो यहाँ पे पूरा एड्रेस उड्रेस दिया हुआ है, सब डालना है। फिर पॉपुलेशन डिस्कस बाय द लाउड स्पीकर, ठीक है। यहाँ पे इसके बाद थोड़ा सा इस प्रकार से टॉपिक लिखना है। अब हम लोग पहले छोटे लिखते थे लेटर, अब बड़ा बड़ा लेटर हो गया है भाई। देख लो लाउड स्पीकर के बारे में ही है तो, पर क्या करें, आजकल के लेटर तो अब बड़ा बड़ा बना दिए हैं लोग। ऐसा लेटर आएगा तो कौन याद करेगा, तकलीफ तो बढ़ा दिए हैं। मुझे तो ज़्यादा ही तकलीफ हो रहा है कि इतना बड़ा लेटर नहीं देना चाहिए। इसके बाद और में दिया हुआ है, ये टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है। ये क्या है भाई, देख लेते हैं। फ्रेंड यूजिंग द फॉलो, क्या है, फॉलोइंग इनपुट्स इनविटिंग हिम हर ऑफ, ये किसके बारे में है, इन रेगुलेशन सेरेमनी, हाँ ठीक है ठीक है, सेरेमनी के बारे में है। ठीक है, तो इनवाइट कर रहा है, कह रहा है दोस्तों को इनवाइट करना है। तो इतना बड़ा देखो टॉपिक लिख दिया है, समझ, मतलब बड़े बड़े उत्तर देते हैं तो फिर दिक्कत होगा ना सबको। तो इस तरह से कुछ टॉपिक है, यहाँ पे आंसर आपको लिखना है, वो पूरा एड्रेस उड्रेस डालते हैं ना वैसे ही। ठीक है, मित्र को जो लिखते हैं सेम टू सेम वैसे, डियर फ्रेंड वाला, वही वाला ही, बस ऊपर में आपको एड्रेस लिखना है, उसके बाद ये टॉपिक के अंदर में आपको भरना है, जैसे यहाँ पे भरा है, देख सकते हो उसका पूरा उत्तर। ठीक, 17 देखते हैं। 17 प्रश्न में क्या है भाई, आर्टिकल दिया है। अभी के हिसाब से हम इसे आर्टिकल के नाम से जानते हैं, लेकिन पहले हम इसे ऐसे कहते थे। ठीक है, पहले हम क्या कहते थे, इसे ऐसे कहते थे। अब ना ऐसे को बदल के ना आर्टिकल का नाम रख दिया है। अब आर्टिकल और ऐसे में अगर आप डिफरेंस कहोगे तो कोई डिफरेंस नहीं है, आपको लिखना तो वही चीज है जो ऐसे में लिखते हो वही। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ दिया हुआ है और जो हर साल आता है वही आपको पढ़ना है। अब थोड़ा भी चेंज कर दे तो दिक्कत हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे ये क्लियर नहीं कर सकता कि इन तीनों में से कौन सा आएगा, क्योंकि मुझे रिकॉर्ड देखना पड़ेगा। फिक्स मैं आपको लास्ट समय में बता दूंगा कि ये वाला एकदम इम्पोर्टेंट है, इसको रट लेना, तो वो उसी समय आप लोग तैयारी कर लेना। और अगर आप लोगों को पता है, आपके सर जो टीचर है वो अगर आपको बता दिए कि ये आएगा, तो भाई उनके हिसाब से कर लेना। हाँ, लेकिन उनसे कन्फर्म पूछना कि यही आएगा, क्योंकि वो भी तीन चार आपको सजेस्ट करेगा। ठीक है, तो तीन चार नहीं, एक दो में एक काफी होता है, जो सही से आए उसी को आपको याद करना है। चलो अब डूएल डायरेक्टर देख लेते हैं। डूएल डायरेक्टेड, डूएल डायरेक्टेड के बारे में मैंने बात भी किया था अपने कई वीडियो में, कि डूएल डायरेक्टर देखो 10 प्रश्न रहेगा, 10 अंक रहेगा, मतलब एक एक अंक रहेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 8 क्वेश्चन टेक, 8 क्वेश्चन टेक जो है वो लास्ट में, बस ना ये देखना है कि ये लड़का है ठीक है या लड़की है। ठीक है, अगर लड़की की बात करता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ही जो है SHE वाला आ जाएगा ना, सी आ जाएगा, यहाँ पे ही है सी आ जाएगा, और यहाँ पे पुरुष इसलिए ही आ गया, बाकी डिड नॉट तो रहेगा ही रहेगा। जैसे कि यहाँ पे क्या चेंज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का, ये तो आसान है यार, कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करना, ऐसे प्रश्नों को आपको देखने की जरूरत नहीं है, ये तो ऐसे ही बन जाएगा मुझे लगता है भाई। और यहाँ पे क्या है, इफ या अनलेस का उपयोग करना है, तो देखो यहाँ पे इफ लगा देना है बस, बाकी कुछ जगह चेंज नहीं हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, अनलेस की जगह बस इफ लगा दिया है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ट्रिक लगाना है। और यहाँ पे क्या है, हाँ कंबाइन करना है यहाँ पे इधर और आर को, ठीक है, तो दोनों को यहाँ पे लगा देना है। देखो यहाँ पे इधर लगा है, यहाँ पे आर लगा है, इसको बीच को ढूंढ लेना, लगा देना। ठीक है, एक बार देख लेना इन प्रश्नों को। ठीक है, छठवा के बाद मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे ऊपर में और कुछ प्रश्न है, 7वां 8वां 9वां 10वां, इन सभी का उत्तर यहाँ पे देखो, चेंज इंटू पैसिव वाइज, चेंज वाइस है, ठीक है, अंडरलाइन करना है। ठीक है,
यहाँ पे, और यहाँ पे क्या कह रहे हैं भैया, सेंटेंस विद नॉट ओनली बट आल्सो, ठीक है, यहाँ पे बट उट का प्रयोग करना है मान लो। तो ये इस प्रकार से यहाँ पे सबका उत्तर है, देख लो। अब देखने वाले हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी में ये जो है ना एक पोयम है, ठीक है, ये पोयम है, पार्ट से उठा दिया है मान लो, और इस पोयम को यहाँ पे रा के रख दिया है, 4 नंबर के रहेगा। अब इसमें जो प्रश्न है उनका उत्तर देना है, सेम टू सेम है पहले जैसा, देख लो 2 प्रश्न, ठीक है। इनकी प्रैक्टिस अगर आप लोग कर लिए हो तो समय दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैंने उत्तर बताया क्या पहले का, देख लेते हैं, ठीक है। इसका उत्तर मैं बता देता हूँ, देखो ये रहेगा तो ये ए रहेगा, ठीक है, फादेस, और यहाँ पे ये रहेगा प्लीजेंट प्लीज इन द सेड ऑफ ट्री, ठीक है, ये इसका उत्तर रहेगा, ठीक। और 2 और है यहाँ पे, इन दोनों को देख लो, ठीक है। इसका उत्तर ये अर्थ रहेगा, और इसका उत्तर जो है ये सैड रहेगा, ठीक है, ठीक। अब देखो एक और है यहाँ पे, द रात ट्रिप लिखा हुआ है ना, तो इसको देख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ भी कुछ प्रश्न रहेगा, जैसे 4 नंबर का है तो यहाँ भी 4 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, देख लो 4 प्रश्न है, इन सभी का उत्तर देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको लिटिल ग्रे कॉटेज लेना है, यहाँ पे आपको द ओनर ले लेना है, यहाँ पे आपको ले लेना है ओल्ड पैक ऑफ कार्ड ले लेना है, और यहाँ पे आपको क्रॉप्टर ले लेना है, ठीक है। अब आपको मैं दिखाता हूँ प्रश्नों के उत्तर दिखाता हूँ, ठीक है। 2 2 नंबर के रहेगा, 5 प्रश्न आएगा, बस आपको बना देना है, याद कर लोगे ये सभी के सभी प्रश्न, प्रश्न बैंक से इन्होंने लिया है सभी प्रश्नों को, देखो कुछ प्रश्नों को मतलब यहाँ पे 4 प्रश्न प्रश्न बैंक से उठा दिया है, तो मतलब प्रश्न बैंक से आने के चांसेस ज्यादा होंगे, तभी तो उठाए हैं ना। तो यहाँ पे देख सकते हो ये 28वां है, 28 27वां, 28वां है, 29वां है, ठीक है, इनका उत्तर लगा हुआ है। और यहाँ पे 2 प्रश्न और है, 30वां और 31वां, इनका भी उत्तर आप देख लो, 30वां और 31वां हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब 32वां प्रश्न को देखो, ये रहा 32वां प्रश्न, ठीक। 32वां प्रश्न जो है 6 नंबर के रहेगा, ये 6 नंबर के रहेगा, 2 प्रश्न आएगा, मतलब 32वां प्रश्न जो है इसमें अथवा भी है, 32वां और 33वां है, और अथवा भी रहेगा, और 6 6 नंबर के प्रश्न आएगा। अब इनका उत्तर आपको 6 6 नंबर देना है, तो ये क्या है, ये जो व्यक्ति है ना इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देना है, ठीक है, व्यक्तियों के बारे में, जैसे कि एम हेमल के बारे में है ना, तो इसके बारे में आपको क्या पता है, स्केच के बारे में बता रहा है, तो मतलब आप लोगों ने स्टोरी पढ़ा होगा, तो उस पूरे व्यक्ति के बारे में जो जानकारी है वो पूरा लिखना है, जब व्यक्ति तो लिखोगे तो 6 नंबर मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे एक टॉपिक है, इसके बारे में भी बताना है, 6 नंबर का प्रश्न है, पूरा बड़ा एक पूरा टॉपिक लिखना है, फिर इसके बारे में भी बताना है, ठीक है, द टाइगर किंग, ठीक है, टाइटल यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, तो ये पूरा उत्तर है इसका, आप इस प्रकार से लिख सकते हो, ये रहा। और ये रहा आपका अंतिम प्रश्न, ठीक है, अथवा में दिया हुआ है, ये देख लो, ये रहा टोटल 6 नंबर का प्रश्न है, तो छोटा मोटा तो लिखना नहीं है, लिखना तो आपको अच्छा खासा है, ठीक है। 5 नंबर के प्रश्न में आपको कितना लिखना पड़ रहा है, और ये तो 6 नंबर के प्रश्न है, तो 6 नंबर में कि सोच लो कितना लिखना पड़ेगा, ठीक। तो इस तरह से मैंने आपको पूरा सेट दिखा दिया, अगर ये सरल लगेगा तो बहुत अच्छी बात है, कठिन लगेगा तो दुख की बात है, मुझे तो कठिन लगा भाई, अब आप लोगों को कैसे लगा ये तो आप लोग ही बताओगे।